जो कि मुझे बहुत पसंद है मोहतरमा, बहुत ही अच्छा शेर है सामीन। कमाले फन हो या ऊंचाई आसमानों की, कमाले फन हो या ऊंचाई आसमानों की, गुरूर वो है जो सारे हुनर से करता है। क्या कहने, आपकी मुस्तहक है मोहतरमा। मोहतरमा ने अपनी शायरी में जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। आपने अपनी शायरी में निसायत के लहजे को जरिए तवज्जो ही नहीं बल्कि उसे सदाकत की शक्ल भी अदा की है। अपने कलाम के जरिए आपने औरत को मुआशरे में ढके छुपे जबर से मुकाबला करने की सलाह भी दी है। इसी के हवाले से मोहतरमा के दो अशार आप सबकी नजर करती हूँ। हम हैं औरत, हम हैं औरत, हमें भी हंसने का बोलिए, हम हैं औरत, हमें भी हंसने का बोलिए, इख्तियार है कि नहीं। हम हैं औरत, हमें भी हंसने का बोलिए, इख्तियार है कि नहीं। और एक शेर यूं है कि मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कितनी भी कोशिशें कर लें, मुझे यकीन है कितनी भी कोशिशें कर लें, गिरा ना पाएंगे ये छत मेरे इरादों की। क्या कहने भाई, बहुत ही अच्छा शेर है माशाल्लाह। मोहतरमा समीरा अजीज साहबा, आपके अशार दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। अपने कलाम के जरिए, अपने कलाम के जरिए आप दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देती हैं। और क्या खूब फरमाती हैं, क्या खूब फरमाती हैं सामीन, गौर करें कि खुशबू मोहब्बतों की अगर चाहते हैं आप, खुशबू मोहब्बतों की अगर चाहते हैं आप, इल्मो हुनर के फूलों का बिस्तर बनाइए। क्या कहने भाई, फिर से पढ़िए शेर को। खुशबू मोहब्बतों की अगर चाहते हैं आप, खुशबू मोहब्बतों की अगर चाहते हैं आप, इल्मो हुनर के फूलों का बिस्तर बनाइए। और एक बड़ा ही उम्दा शेर है, यूं ही नहीं सुखन का असासा मिला मुझे, गुजरी है मेरी उम्र किताबों के दरमियाँ। क्या कहने, बहुत कहने, बहुत अच्छे अशार हैं मोहतरमा, आप दाद के मुस्तहक हैं माशाल्लाह। मोहतरमा समीरा अजीज साहिबा, कागज की जमीन बिलाशुबा एक बेहतरीन काबिले कद्र और मियारी मजमुआ है। और एक बार फिर से मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हर राह पर कामयाबी अता करे और आप हमेशा खुश रहें। शुक्रिया, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। एमन अमरीन साहिबा, दिलकश आवाज और दिलकश अंदाज से आपने बेहतरीन बातें की यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाए यहाँ, महफिल को रौनक बख्शी आपने, और मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ और चलता हूँ बहुत दूर हमारे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में इस वक्त हमारे मौजूद हैं हमारे साथ जनाब नंदीर खान साहब। आप मशहूर व मारूफ कालम नगार हैं, अदब नवाज हैं, उर्दू की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, इनके मजामीन दुनिया के कई ममालिक में पढ़े जाते हैं। मैं बहुत खलूस से और मोहब्बत से मुल्तमिस हूँ जनाब तनवीर खान साहब से कि मोहतरमा समीरा अजीज साहबा की किताब कागज़ की ज़मीन को अपनी कीमती अल्फाज के जौहर से सजाएं। जनाब तनवीर खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब अनवर ज़हीर रहबर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام شورہ اکرام اور حاضرین نشست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خداوند کریم کا جس نے خاکسار کو یہ موقع دیا کہ آپ جیسے شاعروں اور ادیبوں کے درمیان جگہ ملی اس کے بعد شکر گزار ہوں جناب امتیاز گورکھپوری صاحب کا جنہوں نے ظفر گورکھپوری لٹریری اور کلچر اکیڈمی انڈیا کے زیر اہتمام تمام احباب کرام کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک جگہ یکجا ہوئے اور اپنے اپنے ملکوں کی سرزمین پر بیٹھ کر کاغذ کی زمین سمیرہ عزیز صاحبہ کے شعر مجموعے پر ایک تفہیمی نشست میں دوستوں کو اکٹھا کیا۔ اب میں نشست کے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ ہر خیال اپنے مخصوص پیرہن میں آتا ہے،
हर ख्याल अपने मखसूस पैरहन में आता है, ये पैरहन अल्फाज से बनते हैं, अल्फाज ही के दम से इंसान को जानवरों से मुमताज बनाया गया है, इंसान को बयान की दौलत से नवाजा गया, बयान अल्फाज की तरतीब का नाम है। मौजू अल्फाज के इंतखाब ही इंसान को साहिब तर्ज बनाता है, जिस तरह संगतराश पत्थर में छुपे हुए नक्श तलाश करता है, इसी तरह शायर अदीब अल्फाज से मजमून और मजामीन से अल्फाज के रास्ते इंसान को मुसन्निफ बनाता है। क्या बात है, वाह। कौमी और मिल्ली शोरा का कमाल अल्फाज के दम से है, कामयाब माशरा वही है जहां चुपके से फराइज अदा होते रहें और चुपके से हुकूक अदा होते रहें। हुकूक का एहतराम और फराइज की अदायगी से समाज में मोहब्बत और एहतराम पैदा होता है, और इस एहतराम में शोरा इकराम और अदीबों का बिला शुबा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और एक सेहतमंद इज्जतदार भरपूर माशरा ऐसे अफराद का मजमुआ होता है जहां अदब, फनून लतीफा, सहाफत, समाजी सरगर्मियां अपने उरूज पर हों, और आज और अफराद इन तमाम सरगर्मियों में बराबर के शरीक हों। आज की नशिस्त के हवाले से हम देखें तो जजीरा नुमा सऊदी अरब की सरजमीन कुदरत की इस नेमत से मालामाल नजर आती है, और फन, अदब, सहाफत, फिल्म राइटर, रेडियो प्रेजेंटेटर, सऊदी अरब की शहरियत याफ्ता खातून समीरा अजीज साहिबा इसी सरजमीन से ताल्लुक रखती हैं, और उनका ये ताल्लुक सरजमीन अरब को उर्दू जबान से जोड़ता है। उनकी ये काविश सऊदी अरब को दुनिया के सामने एक ऐसे मुल्क को पेश करती है जहां माशरे का हर फर्द उसके हुकूक देकर उनसे उनके फराइज मांगता है, जिसमें मोहतरमा समीरा अजीज साहिबा हर तरह से कामयाब और मुतहरक नजर आती हैं। वाह। आपकी ज़ेर नजर तख्लीक कागज की जमीन और इसकी शायरी इसकी मुकम्मल अक्कासी करती है। आप अपनी शायरी से हुकूक के मुकम्मल वसूली के बाद अपने कौमी और अदबी फराइज को भरपूर तौर पर अदा करती नजर आती हैं। आपने लिखा है कि दुनिया मोहब्बतों के लिए ही बनी मगर दुनिया को फिर भी रास ना आई मोहब्बतें। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत शेर है कि दुनिया मोहब्बतों के लिए ही बनी मगर दुनिया को फिर भी रास ना आई मोहब्बतें। क्या कहने, सभी समीरा अपना सजाते हैं आशियां, सभी समीरा अपना सजाते हैं आशियां, मैंने बस अपने घर में सजाई मोहब्बतें। क्या कहने। मोहतरमा समीरा साहिबा सिर्फ शायरा ही नहीं, मुसन्निफा, मुहक्किका, फिल्म राइटर, तज्जिया निगार, थिएटर आर्टिस्ट, स्पीकर, नाजमा, रेडियो प्रोड्यूसर भी हैं। आप बहुत कम उम्र से ही बच्चों के रिसालों में लिख रही हैं। आपको सऊदी अरब के अव्वलीन नावल निगार की खातून का एजाज भी हासिल है, जो आपकी उर्दू से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है, और आपकी शायरी में अपने वतन सऊदी अरब से मोहब्बत साफ नजर आती है, जो एक अदीब अपना हक अदा करता है, अपना फर्ज हक हुकूक हासिल करने के बाद जो अपना फर्ज अदा करता है वो अपने वतन से मोहब्बत है, जिसमें आप कहती हैं कि दिल टूटने के बाद अजब बेबसी हुई। वाह। दिल टूटने के बाद अजब बेबसी हुई, बढ़ने लगा मलाल तो फिर शायरी हुई। वाह वाह, क्या कहने, बढ़ने लगा मलाल तो फिर शायरी हुई। वाह। बढ़ने लगा मलाल तो फिर शायरी हुई, समझूंगी मैं हयात का मकसद मिला मुझे। वाह। समझूंगी मैं हयात का मकसद मिला मुझे, अपने वतन के नाम अगर जिंदगी हुई। वाह 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 वाह, ये इनकी मोहब्बत है वतन से कि समझूंगी मैं हयात का मकसद मिला मुझे अपने वतन के नाम से अगर जिंदगी हुई। क्या कहने। मस्कूरा तख्लीक कागज की जमीन के अशार सिर्फ वारदात हुस्न इश्की से मुरस्सा नहीं, बल्कि इसमें समाजी अदवार और सदाकतें भरपूर तरीके से दिखाई देती हैं।
वाह आप कहती हैं कि बैठी हूँ एक जमाने से टूटे मकान में, वाह बैठी हूँ एक जमाने से टूटे मकान में, गुर्बत की बेबसी के अंधेरे समेट के, गुर्बत की बेबसी के अंधेरे समेट के, तालीम कैसे पाएंगे वो बच्चे बोलिए, ये बहुत उम्दा मिसरा है, बहुत बात है, तालीम कैसे पाएंगे वो बच्चे बोलिए, किस्मत में जिनके लिखे हैं टुकड़े स्लेट के। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत शेर है, वाह 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 वाह। बैठी हूँ एक जमाने से टूटे मकान में, गुर्बत की बेबसी के अंधेरे समेट के, तालीम कैसे पाएंगे वो बच्चे बोलिए, किस्मत पे जिनके लिखे हैं टुकड़े स्लेट के। क्या कहने भाई, क्या इनकी इस तख्लीक में, इनकी इस तख्लीक में गुदात शायरी और खारो गिल दोनों मजमुई तौर पर नजर आते हैं। माशाल्लाह, आप अपने किसी शेर से कारी को अचानक हैरान नहीं करती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको माशरे के जुल्म और सितम से टकराने की तलकीन करती नजर आती है। आपका लहजा महज एक शायरा का लहजा ही नहीं, बल्कि आपके उसलूब में एक निस्वानी झलक दिखाई देती है और वो कारी को सरसरी तौर पे गुजरने नहीं देती, बल्कि अपनी भरपूर तरह से, अपनी तरफ भरपूर तरह से मुतवज्जा करके इस बात का एहसास दिलाती है कि ये शहर शेर महज काफिया बंदी नहीं, बल्कि एक फनकार और हमा जहद शख्सियत की आप बीती और इसका तजुर्बा और मुशायदा बोल रहा है। क्या बात, आप फरमाती हैं कि मुझे सहारा दिया हर दम अंधेरों ने, मुझे सहारा दिया हर दम अंधेरों ने, कोई चराग सरे रह गुजर नहीं आया, कोई चिराग सरे रह गुजर नहीं आया, समीरा इसके लिए भी दुआ करो रब से, वो पेड़ जिस पे अभी तक समर रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई समीर अजीज साहब, वाह वाह। मुझे सहारा दिया हर दम अंधेरों ने, कोई चिराग सरे रह गुजर नहीं आया, समीरा इसके लिए भी दुआ करो रब से, वो पेड़ जिस पे अभी तक समर नहीं आया। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। आपकी शायरी का एक उम्दा पहलू सादगी और सहल पसंदी है और सादा और आम जबान में पढ़ने वाले को अपना मुतमय नजर समझा देती है। आपके कलाम के अल्फाज सादा और इंतहाई पुर असर हैं। ये गजल है आपका का गजल का जब भी कोई उनवान रख के सोते हैं, सरहाने मीर का दीवान रख के सोते हैं। क्या कहने, क्या बात है। हर तौर समीरा अजीज साहिबा का ये कलाम हर तौर पे कारी को अजीज होगा। समीरा अपनी इस अदबी काविश में कामयाबी के साथ हकीकी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इनको इस मैदान में बहुत जल्द कामयाबी हासिल करने पर जहां मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, वहां मैं आइंदा के लिए इनको वो मनाजिल तय करता देख रहा हूं जो कामयाबी और कामरानी के लिए समीरा अजीज की मुंतजर हैं। और समीरा इस मंजिल की तरफ भरपूर तवानाई और माशरती और समाजी जिम्मेदारियों के साथ रवा दवा हैं। अल्लाह करे आप और जोर कलम और ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर खान साहब, माशाल्लाह खूबसूरत आपने अपनी वाकई जोर से सजाए महफिल को, माशाल्लाह। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर से हमसे आप जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बात है कि दुनिया के कोने कोने में हम एक दूसरे से रابطے में और एक दूसरे के साथ साथ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी दिशा अफ्रीका, हमें बहुत खुशी हुई आज आपको देखकर आपसे बात करके, बहुत आप भी है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, कार्रवाई को। मेरे अगले मेहमान हैं, अब हम ऑस्ट्रेलिया से एक जस्ट लगा के पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियालकोट में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आमिर शरीफ साहब, जी महफिल को रौनक बख्श रहे हैं। आप असलूब रिसाले के मुदीर आला हैं, आप उर्दू के लिए हमेशा फाल रहते हैं और उर्दू के लिए ही सब कुछ है। तो मैं इनसे मुल्तमिस हूँ जनाब आमिर शरीफ साहब से, समीरा अजीज साहबा की किताब कागज़ की सरजमीन पर अपने तबसरे से सरफराज फरमाएं। जनाब आमिर शरीफ साहब सियालकोट पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अनवर साहब,
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जफर गोरखपुरी एकेडमी इंडिया, आप तमाम हाजिरीन मजलिस और जितने भी मुंतजमीन मजलिस हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसके साथ साथ सुमैरा अजीज साहबा बिलखसूस बहुत सी मुबारकबाद ढेरों मुबारकबाद की लायक सताइश हैं। और मैं ये चंद रोज़ पहले मुझे इम्तियाज भाई ने जब इनकी किताब के बारे में बताया तो जस्ता जस्ता मैंने इनकी किताब का मुताला किया, कुछ सफ़ात पढ़े और मेरे नज़दीक ये एक अपने किसी फ़न पारे को किसी तनकीद के लिए पेश करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक जोखन भरा काम भी होता है, मैं इसे ये समझता हूँ। और तनकीद का आम तौर पर मैं ये अर्ज कर दूं कि लोग मतलब हमेशा इतराज से लेते हैं, यानी तनकीद का मकसद मतलब इतराज नहीं हो सकता, इतराज नहीं है, ये आपके मदम और जितने भी रोशन पहलू हैं उन पर एक तजिया होता है। तो मैं ये आज जब मुझे ये इस किताब के बारे में पता चला, मुझे PDF की सूरत में भेजी गई, तो मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी, जो महसूस किया उसे लिखा और बड़ा मुख्तसर सा बड़े इख्तसार के साथ में पेश करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इस किताब के जो मध्यम पहलू हैं उन पर थोड़ी सी बात करूँगा और आपकी इजाज़त से, क्योंकि हम यहाँ तनकीद के लिए आए हैं और तनकीद का ये हिस्सा है कि मध्यम और जो रोशन पहलू हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस किताब में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मध्यम पहलू नहीं देखे। हमारे डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब जो हैं मेरे उस्ताद हैं, वो हमेशा एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि जब आप किसी शेर को कहें, जब आप कुछ ऐसा तहरीर करें तो आप उसको ICU में रख दें। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि ये जो आपकी तहरीर है, आपका कोई फन पारा है, इसे बार बार नजरेसानी के मरहले से गुजरना चाहिए। जब मैंने इनकी किताब देखी और सफा 19 पर जो पहली गजल मैंने देखी तो उनका एक शेर है कि जिसका एक मिसरा मैं पढ़ने लगा हूं कि किरदार जिसका आईना लहजा कपास है, तो मुझे इस कपास की इस इशारे से इस तशबीह से समझ नहीं पाया कि वो इसका इबलाग क्या करना चाहती है। तो ये मुझे थोड़ा सा इस मिसरे में जो है वो मुबहिम लगा, इबहाम महसूस हुआ, जो कि आपकी देखिए शेर और आपकी तहरीर आपका एक जरिए इबलाग होता है, यानी आप अपनी जो दिल की कैफियत या जो वारदात हैं उनका बयान कर रहे हो, और जिसका इबलाग अगर दुरुस्त तरीके से ना हो सके तो वो तहरीर मुबहिम होती है, वो तहरीर आपकी इस चीज़ को वो आयनादार नहीं होती, अलम्बरदार नहीं होती। इसके साथ साथ एक शेर है जिस जो अभी दोहराया गया यहाँ पे, कहती है माँ की गोद जिसे सारी कायनात, वो पहला मदरसा वो पहली क्लास है। यहाँ आपने देखा कि जो इस शेर का जो पहला मिसरा है, कहती है माँ की गोद जिसे सारी कायनात, ये एक रवायती और बड़ा खूबसूरत मिसरा है, लेकिन इसके साथ जिस तरह एक नई जिद्दत लाने के लिए आमतौर पर इसी को जदीदियत कह दिया जाता है कि आप किसी अंग्रेजी के अल्फाज जो हैं वो किसी मिसरे में रख देते हैं, तो उससे ये एक नई तरकीब और नई एक जदीदियत के तौर पर जिसे हम तस्लीम नहीं करते मादरत के साथ, और हम नफाज वाले जो हैं नफाज उर्दू की बात करने वाले तो बिल्कुल इसके हक में नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो अल्फाज गैर मुस्तमल और गैर जरूरी तौर पर उर्दू में जो तो राइट हो चुके हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो राइट नहीं हो सके नहीं हुए उन्हें हमारे जो शोरा हैं हमारे अदीब जितने भी लिखारी हैं तो उनको जबरदस्ती जब अपनी तहरीर में डालते हैं तो ये चीज एक गैर जरूरी तौर पर अपनी जुबान को खराब करने वाली बात है। यानी वो पहला मदरसा वो पहली क्लास है, इसको किसी और तरीके से क्लास दर्जाबंदी जमात, अब इसको अब अंग्रेजी के अतबार से अगर देखा जाए तो इसके कई मफहूम भी बनते हैं, तो इस तरह वो इबलाग नहीं हो पाता
जो हम अपनी कौमी जुबान में या शुस्ता उर्दू में कर सकते हैं। तो इस एतबार से एक और शेर मैं कोट करता हूँ, कि फलों से पहले तो शाख, फलों से पहले तो शाखे शजर कुतरता है, गुनाह जिस्म का मजबूत घर कुतरता है। तो ये शेर जो है मुझे इसके पहले मिसरे में जो एक प्लाज्मा होता है, यानी गुनाह हमारा मरकज कलाम है, तो मरकज कलाम में गुनाह जो है इसको किस हैसियत से फलों से तशबीह ताबीर किया गया है, किसी शाखे शजर से ताबीर किया गया है। तो ये वो मदम पहलू हैं जिन्हें हम जो है जो हमारे शायर हजरात हैं जबरदस्ती अपने कलाम की तकमील के लिए या फौरी एक जस्तजू में हम उसको उस बार बार नजर सानी के मरहले से नहीं गुजारते, जिसकी वजह से ऐसी चीजें पैदा होती हैं। अब आए थोड़े से इसके रोशन पहलू जो हैं उन पे बात करते हैं। तो मैं ये मुझे खुशी महसूस होती है जब मैंने इनका कलाम पढ़ा कि समैरा अजीज साहबा की जो शायरी है इसमें इनके मदम पहलू से ज्यादा निस्बतन ज्यादा रोशन पहलू मौजूद हैं, और इनकी शायरी में मासूमियत और साफ मकसदियत बातें करती नजर आती है। और ये पहली बात थी जो मैंने इनके जब किताब पढ़ी तो मैंने देखी, क्योंकि मुझे बात इनके मदम पहलू और रोशन पहलू पे एक तनकीद का एक यही जुज होता है कि हम तरीकाकार भी यही है कि हम उसको अपनी इस्लाह के लिए पेश करते हैं। तो मुझे इनके रोशन पहलू जो है वो ज्यादा नजर आए, यानी इनके मैं चंद एक शेर जो है वो कोट करता हूँ कि दुनिया उसी को भीख देना उसी को भीख जो है उसका मुस्तहिक, हर बाशऊर से ये मेरी इल्तमास है। और दूसरा शेर देखिए कि तमाम उम्र असूलों की जंग लड़ते रहे, बताएं क्या तुम्हें तादाद अपने जख्मों की। इनका ये शेर जो है कि कहीं पे माँ कहीं पे बेटी कहीं बहन बनकर हमेशा जुल्फें सवारी हैं मैंने गजलों की। तो ये वो अशार हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे, और जो बड़ा खूबसूरत शेर इनका इनके इब्तदाई सफा पे मैंने देखा, मैंने सारा कलाम मैंने फिर अर्ज कर दूं कि नहीं पढ़ा, लेकिन जो इब्तदाई गजलें हैं वहां पे मैंने ये शेर देखा कि गजल का जब कोई उनवान रख के सोते हैं तरहाने मीर के दीवान रख के सोते हैं। ये बहुत खूबसूरत शेर है, इसमें बेशुमार और बहुत दाद है। और इस तरह कुछ और शेर हैं कि सुखनवरों में मेरी उम्र कट गई लेकिन कि शेर गोई का अब तक हुनर नहीं आया, और ये आजदी का इजहार है जो कि तस्लीम भी किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। और ये उनकी बड़ी एक नेचुरल जैसे कुदरती उठने वाली जो आवाज है दिल से, तो ये इसने काफी मुतासर किया मुझे। फिर मैं चुप खड़ी रही गुलशन में और अपने लोग मेरे शऊर की तितली पे वार करते रहे, कहता सुभान अल्लाह। खूबसूरत शेर जो मुझे मैंने देखा और मैं बहुत खुश हुआ। तो इन्हीं मारूजात के साथ इन्हीं ख्यालात के साथ मैं बहुत सारी ढेरों मुबारकबाद देता हूँ। मुझे याद है कि 2006 में मेरी एक किताब थी जिसे तनकीद के लिए पेश किया गया, तो मैंने वहाँ पे जितने भी स्पीकर्स थे जितने भी बात करने वाले हमारे शायर अदीब जो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने उनसे एक गुजारिश की कि आप जो भी मेरी किताब के बारे में सच है वो बयान कीजिएगा। और आज मुझे उसका वो समरपार साबित हुई, उनकी वो जो इसलाह थी उनकी जो बातें थी, और उन अगर वो बातें वहां पे ना होती तो शायद मैं आपके साथ इस मजलिस में ना होता, और शायद मैं ये शेर व सुखन का सिलसिला भी तरक कर चुका होता, क्योंकि ये तो शेर व अदब मेरा मेरी लाइन ही नहीं थी साइंस स्टूडेंट की तौर पे। लेकिन जब से मैं शेर व अदब में, अब मुझे कई साल हो चुके हैं, और जब मैं कोई शेर तख्लीक करता हूँ तो इन पहलुओं को बड़ी गौर से देखता हूँ। और ये एक ताकीद है सुमैरा अजीज साहिबा के लिए कि आप जब शेर लिखें, 60 साल में गालिब ने दीवान लिखा पूरा है 150 गजलों पे, और हम अहबाब जो है शायर अहबाब जरा थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, बड़ी जल्द अशार लिख के तो उनको कोशिश करते हैं कि छप भी जाए और कहीं शाया हो, तो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजरेसानी जो है वो उनकी जरूरत होती है उन्हें, और शेर को बार बार पढ़ के देखने वाली चीज है।
और उसको जितनी इस्लाह हो सके, और मैं ये समझता हूँ कि इन्हें इस असूल पे जरूर कारबंद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारी ढेरों दुआओं के साथ, मुबारकबाद के साथ आप तमाम हाजरीन मजलिस, सामईन मजलिस, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आमिर शरीफ साहब, आप दफ्तर में मसरूफ हैं उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश और खूबसूरत तबसरा आपने तजिया जो किया, बहुत खूबसूरत किया, मस्बत और मनफी दोनों पहलू को सामने रखा, ये बहुत ज़रूरी है और हम सब सीख रहे हैं, आप सब से हम सब सीखने के इसमें हैं और यकीनन हम आइंदा और बेहतर सीखते रहेंगे। बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिरीन महफिल, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ हमारे सामईन भी मौजूद हैं, मैं उन सबको खुश आमदीद कह रहा हूँ, यहाँ पे हैं मौजूद, और बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। हाजिरीन महफिल, अब मैं एक ऐसी शख्सियत से गोश गुजार हूँ जो लिटरेरी एंड कल्चर एकेडमी के रूए रवा, जो गोरखपुरी ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चर एकेडमी के रूए रवा हैं। आप इस एकेडमी के सदर भी हैं और ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे एशिया में अपने मुनफरद लब व लहजे के शायर जैसे से जाने पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद है जनाब अयाज गोरखपुरी साहब से, जिनसे मैं मुल्तमस हूँ कि हमें अपने कीमती जुमलों से नवाजें। ख्वातीन हज़रात, सदर ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चर एकेडमी मोहतरम जनाब अयाज गोरखपुरी साहब। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा रहे हैं जी। दरअसल ये प्रोग्राम इम्तियाज में जिस जल्दबाजी कहूँ या कम वक्त में तरतीब दिया है और आप लोगों ने शिरकत की, इसके लिए मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात के जिस साहिब एजाज जो मोहतरमा समीरा अजीज साहिबा है, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में पूरा कोऑपरेट किया हम लोगों को, उनसे गुजार हैं। समीरा अजीज से मेरी मुलाकात बम्बई में चंद अर्सा पहले हुई थी और उसने इत्तेफाक किया था कि शायर जब शायर से मिलता है तो कहीं मुशायरा गाह होती है या कोई अदबी महफिल होती है या शही नशीब होती है, लेकिन समीरा अजीज से मेरी मुलाकात जो है वो एक बच्चों के अस्पताल में हुई जहाँ वो कैंसर के कैंसर से मुतासरा बच्चों को मुतासर बच्चों को वो अपना चेक डोनेट कर रही थी और वहाँ वैसे चीफ गेस्ट बुलाई गई थी, वहीं पर था कुछ फिल्मी शख्सियात भी थी बॉलीवुड की। तो मुझे उस वक्त ये हम जब उस प्रोग्राम के बाद जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे उनकी शायरी का पता चला तो अंदाज़ा हुआ कि इंसानी दर्द जो है वो कहीं ना कहीं इनके दिल में इस कदर है जो इनके शायरी में भी नज़र आता है। वहाँ से मैंने समीरा अजीज साहिबा की वो किताब भी मुझे मिली जब मैंने उसको पढ़ा दी। बहरहाल आज एक बहुत अच्छा खुशी का मौका है जहाँ समीरा अजीज साहिबा की किताब पर बहुत सुनने बोला, बतौर खास जितने लोग हैं जैसे आमिना ने बहुत अच्छा कहा और सभी ने अच्छा कहा। क्रिटिसिज्म का पहलू मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, उसकी वजह यह है कि ये समीरा की पहला शेरी मजमुआ है जिसमें कागज़ की जमीन, और पहला जब शेरी मजमुआ होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद अपने आप को ये तस्लीम कर लेता है कि ये सब अच्छा है, लेकिन जब वो दूसरा उसका शेरी मजमुआ होता है तो उसमें उसे एहसास होता है कि मैंने तो अभी तक कुछ लिखा ही नहीं। बेशक, पहले बेशक। जो मैंने कहा है ये तो मैंने कहा, मैंने अभी तो कुछ कहा नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है। वाह वाह वाह, मुझे मुझे उम्मीद है कि समीरा को ये एहसास जरूर हुआ होगा इस चीज का कि अभी मैंने शुरू किया है कितना। और चंद सत्रें जो मैंने इस किताब के ताल्लुक से लिखी है, मुलाहिजा करें, कागज की जमीन की शायरा समीरा अजीज। शायरी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो जज्बात, हालात और वाकयात की तर्जुमान है। मैं समझता हूँ कि अपने इजहार का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं, जहाँ अपना गम जमाने का गम बन जाता है, अपना दर्द सबका दर्द नजर आता है, जहाँ अपनी कही बात इंसानी एहसास को जाकर छू लेती है।
इसी इंसानी एहसास को छू लेने वाली शायरा का नाम समीरा अजीज। कागज की जमीन समीरा अजीज का अव्वलिन शेरी मजमुआ है जो गजलों पर मुश्तमिल है। होशाइन बात यह है कि अरब के सहरा में पैदा हुई समीरा अजीज, जिनकी मादरी जबान अरबी है, इसके बावजूद वो उर्दू जबान से बे इंतहा मोहब्बत करती है और यही वजह है कि उन्होंने अपने इजहार के लिए इस जबान को जरिया बनाया है। समीरा बुनियादी तौर पर गजल की शायरा है और गजल इनकी पसंदीदा सिंफ है और वो गजल के तमाम औसाफ असनाफ इनके यहाँ मौजूद हैं और ये अपने फन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और यही वजह है कि समीरा ने गजल की इस कदीम रवायत को कहीं से जर्ब नहीं लगने दिया। क्या बात, वाह वाह। चंद अशआर मुलाहिज़ा करें कि सब उसके गम में बराबर शरीक थे लेकिन हमारा रोना किसी को नजर नहीं आया। क्या वाँ 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 वाँ। मेरी आंखें इजाजत नहीं देती है क्या किसी को तुम्हारे सिवा देखना। तमाम उसूलों की जंग लड़ते रहे, बताएं क्या तुम्हें तादाद अपने जख्मों की। अपने सामने रख कर आईना मोहब्बत का, ढूंढते हैं हम खुद को बार बार आंखों में। समीरा वही बातें कहती हैं जो उनसे जिंदगी कहलवाती है, रोज बरोज जिंदगी के नए नए तजर्बे और मुशाहिदों ने इनके अंदर होने वाली हलचल और वारदात को शेरी शक्ल में ढाल कर दोबारा जिंदगी को लौटा दिया है। मुलाहिजा करें ये शेर के है जिसमें हौसला तूफान से निपटने का, है जिसमें हौसला तूफान से निपटने का, वही चिराग हवाओं के साथ चलता है। वाह। तालीम कैसे पाएंगे वो बच्चे बोलिए, तालीम कैसे पाएंगे वो बच्चे बोलिए, किस्मत में जिनके लिखे हैं टुकड़े सिलेट के, दुनिया मोहब्बतों के लिए ही बनी मगर दुनिया को फिर भी रास ना आई मोहब्बतें। हाजरीन, ख्वातीन की शायरी के हवाले से अक्सर और बेशतर एतराज हमेशा से यही रहा है कि वो एक खूबसूरत तस्वीराती दुनिया में रहती हैं, मानियत के अलावा इनके पास और कोई दूसरा मौजू नहीं होता। ख्वातीन की शायरी के हवाले से अक्सर और बेशतर एतराज हमेशा से यही किया जाता है कि वो एक तस्वीराती दुनिया में रहती हैं और वो रोमानियत के अलावा इनके पास और कोई दूसरा मौजू नहीं होता, मगर समीरा अजीज इन एतराजात की बखूबी नफी करती नजर आती है। शेर देखें कि दिए को तन्हा कब छोड़ा है हमने, दिए को तन्हा कब छोड़ा है हमने, हर एक तूफान का रुख मोड़ा है हमने, जहाँ इंसानियत की रोशनी आकर छुपाए सर, जहाँ इंसानियत की रोशनी आकर छुपाए सर, मोहब्बत का हमें एक आशिया ऐसा बनाना है। औरों को भी पड़ोस में जो साया दे सके, एक पेड़ आप ऐसा भी घर में लगाइए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। समीरा अजीज एक अच्छी शायरा है, उन्हें इस बात पर भी मुतमईन होना चाहिए। समीरा अजीज एक अच्छी शायरा है, उन्हें इस बात पर ही मुतमईन होना चाहिए क्योंकि एक शायरा और एक अच्छी शायरा होने में तवील अरसा दरकार होता है। क्या कहने? मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा मैं उन्हें बहुत अच्छी शायरा लिख सकूं। दुनिया अदब में इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं उन्हें आखिर में मुबारकबाद देता हूं, बकौल समीरा अजीज, दिल टूटने के बाद अजब बेबसी हुई, दिल टूटने के बाद अजब बेबसी हुई, बढ़ने लगा मलाल को फिर शायरी। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत लफ्जों में आपने अपने ख्यालात पेश किए, बहुत शुक्रिया। और ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चर एकेडमी, आप ही लोगों के से ये कायम दायम है, अल्लाह मियाँ इसको कायम रखे, आप दोनों भाइयों की से। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही है कहीं से, किसका माइक गड़बड़ कर रहा है। खातिन हजरात कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और मैं
कुछ म्यूट कर दूं किसी यहाँ पे, मेरा ख्याल है कुछ कैमरे को अब से उसको। खातिन हजरात आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आवाज नहीं आ रही? जी अगर हम ऐसा करें कुछ माइक को बंद कर दें, कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रही है यहाँ पे। खातिन हजरात जहाँ जहाँ उर्दू अदब की बात की जाती है और खास तौर पर शायरी की, वहाँ आपका नाम हमेशा लिया जाता है। उर्दू की कोई भी महफिल आपकी शमूलियत के बिना अधूरी मानी जाती है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी महफिल में आप मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा शायरा, अफसाना निगार, सहाफ़ी और अदीबा मोहतरमा इशरत मोइन सीमा साहबा से, जो शहर टल्टो जर्मनी से हमारे साथ हैं, कि वो अपने कीमती ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मोहतरमा इशरत मोइन सीमा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर ज़हीर अहबर साहब कि आपने आज ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चर एकेडमी के इस प्रोग्राम में, इस ग्रां कदर प्रोग्राम में, जहाँ पे एक किताब की पज़ीराई है और एक किताब का तारुफ पेश किया जा रहा है, आपने मुझे शामिल रखा। मैं सदर महफिल की इजाज़त से कुछ उनकी किताब पर और उनकी शख्सियत पर अपना एक मुख्तसर तबसरा पेश करना चाहूँगी। और इस तबसरे का आगाज जो है मैं सलीम अहमद के एक शेर से करूँगी कि सलीम अहमद कहते हैं, गनीम वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, गनीम वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। क्या कहने, सलीम अहमद जिन्होंने कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाए, और समीरा अजीज साहिबा जिन्होंने कागज की एक जमीन ही जो है वो अशार पेश करने के लिए या तमाम तरह की जहद पेश करने के लिए हमारे सामने एक किताबी सूरत में पेश कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपकी ये किताब जो है वो मैंने पढ़ी और खुशी हुई कि आपका कलाम बहुत तरोताज़ा है और एक ऐसी जगह से एक तरोताज़ा कलाम और एक ख़ास तौर पर एक खातून शायरा का कलाम, एक शायर जो है एक ऐसी सरजमीन से जहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं खवातीन को, ना सिर्फ अदब के हवाले से बल्कि दीगर अपनी सरगर्मियों के हवाले से, वहाँ से एक किताब पेश करना, एक शायरी का मजमूआ पेश करना बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिल सताइश बात है। तो मैं चंद मैंने छोटा सा उसमें तैयार किया है तो मैं पढ़ना चाहूँगी कि अरब की सरजमीन का उर्दू ज़बान व अदब से हमेशा से रिश्ता रहा है, चाहे वो आप इसे लफ्जी एतबार से कह लें, ख़त एतबार से कह लीजिए या मजामीन के एतबार से कह लीजिए। इस सरजमीन ने उर्दू को तरक्की और इस्तेहकाम देने की हमेशा कोशिश की है। इस मुल्क के तकद्दस और एहतराम को लेकर यहाँ उर्दू के लिए मुशायरे की महफिलें मुनक़द करवाना और करना, दोनों ही ममालिक पाकिस्तान हिंदुस्तान और सऊदी अरब, दोनों ही ममालिक नहीं बल्कि इनके दरमियान एक दीनी और सकाफ़ती राबते की भी अलामत रहा है। शहजादे और शहजादियों वाली इस शाही रियासत में उर्दू शायरी के हवाले से जब भी कोई जिक्र आएगा मुस्तकबिल में, तो यहाँ बसने वाली एक बेताज शहजादी समीरा अजीज का तस्करा भी यकीनी तौर पर आएगा। वाह, इस शहजादी ने उर्दू जबान की तरवीज के लिए शायरी, मजमून नवीसी, बरकी सहाफत और अदबी काविशों का एक ऐसा शीश महल तामीर किया है कि जिस पर उर्दू से वाबस्ता सारा सऊदी अरबिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बल्कि एक दुनिया है उर्दू इसकी जगमगाहट को देख रही है और महजूज भी हो रही है। कहते हैं कि शायरी अपनी सरजमीन पर उगने वाला वो फूल होता है जो मौसम की सख्ती और नरमी को पहचानने के बाद अपने रंग और खुशबू से आलम में एक इनफरादी पहचान बनाता है। उर्दू की क्लासिकल शायरी का जायजा लें तो अरब और ईरान से हिजरत करके बरसगीर में मुंतकिल होने वाले अदीब और शरा की तसनीफात ने उनके वतन की याद और खुशबू बसी हुई है। चनार के दरख्त से लिपटी यादें और नारंगी की खुशबुओं में सफ़र करते शब व रोज़ बरसगीर में बसने के बावजूद भी उनकी तसनीफात में अपना अक्स दिखलाते महसूस होते हैं। इन शोरा और अदबा के कलाम से उनके आबाई वतन की हिजरत की झलक नस्ल दर नस्ल दिखाई देती है और इस झलक से वो अपने महजरी रंग को अपने फन कलाम से भी बाहर नहीं निकाल पाते और जाबजा जो है उनके कलाम में
ये झलक नजर आती है। उनके अदब और शायरी में सौसन और गुलाब, मोती और चमेली पर हमेशा हावी रहे हैं। यही महजरे अदब का हुस्न है कि अदीब या शायर अपनी फिक्र में बसी अपने वतन की याद भी परदेश साथ लेके जाता है और वहाँ बैठकर याद वतन में वो शेर की गुलकारियाँ करता है कि इस फन पर कारी, सामे और नाजिर अपना दिल अपनी मुट्ठी में महसूस करता है। समीरा अजीज ने भी अपनी शायरी और याद वतन को जिस अंदाज में सींच कर परवान चढ़ाया है, अगरचे वो उसी सरजमीन पर पली बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस याद वतन को जिस अंदाज में सींच कर परवान चढ़ाया है, आज वो दोनों एक दूसरे में जज्ब होकर उनके शेरी कलाम को एक हुस्न अता कर रहे हैं। जो परदेश में बैठे हर शायर या शायरा को कुदरत अता नहीं करती, शेरी जमालियात के उस अफक पर वो अपने फन की गहराई भी दिखाती हैं और नर्म गदास जज्बों से गुंधी वो नज़में पेश भी करती हैं जो उनकी शेरी बसीरत को आगाह करती है, जो सामईन और नाजरीन और पढ़ने वालों को इस बात की तरफ इशारा करती है कि सऊदी अरब में नसाई उर्दू की शायरी की पहचान फिल वक्त समीरा अजीज के नाम से ही है। और समीरा अजीज की शायरी में अगर हम लफ्जी तराकीब और तशबीहात और इस्तारात का जायजा लें तो ये बात भी वाज़ेह होकर सामने आई है कि वो अपना शेर तख्लीक करते हुए गैर जरूरी तज़ीनकारी और सकील अल्फाज के चुनाव और बर्ताव से इज्तनाब करती हैं। ये गैर दानिश्ता सही एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसी सही है जो कि कारी को जहन पर जोर डालने से गुरेज करवा कर शेर का हज उठाने पर रागब करती है और शेर का हज उठाने पर रागब करती है और इसके साथ साथ मौजूदा असरी शायरी में उनके कलाम को मकबूल और आम फहम बनाकर आज दुनिया के हर खत्ते में बसे उर्दू से मोहब्बत करने वालों के करीब ले जाती है। आज मैंने इसलिए कहा कि आज जो टेक्निकी दौर है जिसके ज़रिए आपका कलाम पलक झपकते सारी दुनिया में पहुंच जाता है एक क्लिक पर और एक वीडियो मैसेज पर और पर, तो उनका इस दौर में शेर कहना और वो भी सहले मुमतना में शेर कहना आज के दौर की शायरी की मैं समझती हूँ कि बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज की नई नस्ल उर्दू शायरी की तरफ रागिब शायद इसलिए भी नहीं हो रही है कि शेरी मजामीन में शोरा जो है वो अपने कलाम को पेचीदा और गंभीर बनाने के साथ साथ इसे सकील अल्फाज का भी लिबादा बना देते हैं और ये उनका अमल जो है अदब के आम कारीन से और नौजवान कारीन जो है या सामीन उनको दूर ले जाता है। लेकिन समीरा की शायरी में जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो उनके अल्फाज का चुनाव है और उनकी तशबीहात और इस्तारात जिसको उन्होंने बहुत सादगी के साथ और आम अल्फाज में जो है बयान किया है। मैं समीरा अजीज़ को उनके फ़न के हवाले से उर्दू के सहरा में एक ऐसा नखलिस्तान करार देते हुए दुआगो हूँ कि उनकी शायरी के मुतनव्वो लहजे की महक और ताजगी निसाई शायरी की राह पर आने वाली नौजवान शायरात की नुमाइंदगी करे और मुस्तकबिल में वो एक नामवर उर्दू शायरा की हैसियत से वो मकाम पालें जिसकी उर्दू ज़बान से मुंसलिक कई अहम शायरात आज तक मुतमन्नी हैं, जो कई अरसे से शायरी कर रही हैं और उसकी मुतमन्नी हैं। मैं समीरा को मुबारकबाद देते हुए उनके दो अशार यहाँ पेश करना चाहूँगी। हवा फिर रुख बदलना चाहती है, हवा फिर रुख बदलना चाहती है, चिरागों को निगलना चाहती है, हटा दो शम्मा से पहरे हटा दो, ये सारी रात जलना चाहती है। वाह 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 बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया इशरत मई सीमा साहिबा, आपने नबीतुल अल्फाज में बहुत खूबसूरत तजिया पेश किया अपना, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात और हाजिरीन महफिल, दिया बुझा के अंधेरों से प्यार करते रहे, दिया बुझा के अंधेरों से प्यार करते रहे, तमाम उम्र तेरा इंतज़ार करते रहे, मैं चुप खड़ी रही गुलशन में और अपने लोग, मैं चुप खड़ी रही और गुलशन में अपने लोग, अरे शऊर की तितली पे वार करते रहे। शुक्रिया, ये हमारी समीर अजीज साहब के कलाम है। मैं
अब चाहूँगा कि हम वहाँ चलें जिनके गिर्द आज ये पुराना महफिल घूम रही है, जिनके दम से यहाँ तमाम हाजिरें दुनिया के दूर दराज शहरों से इकट्ठे हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं गोश गुजार हूँ समीर अजीज साहबा से कि आपकी इस खूबसूरत बज़्म में हम सबको अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। खातीन हजरात, कलाम शायर बज़बान शायर मोहतरमा समीरा अजीज साहिबा। शुक्रिया बहुत बहुत मोहतरम शायकीन उर्दू, और बिलाशुबा ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि अदबी फोरम जफर गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल एकेडमी ने मुझे मेरे उर्दू के मजमूए कलाम कागज की जमीन पर ये तारीफी और तफहीमी नशस्त के लिए मदऊ किया, और मैं सदर महफिल जनाब फहीम अख्तर, नाजिम महफिल जनाब अनवर जहीर रहबर साहब, जनाब इम्तियाज गोरखपुरी, मोहतरमा शरद मोइन सीमा साहिबा, जनाब अयाज गोरखपुरी और जनाब आमिर शरीफ, जनाब तनवीर खान और मोहतरमा एमन अम्बरीन साहब और दीगर तमाम शुरका की जो है मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने दुनिया भर से इस खूबसूरत महफिल में शामिल होकर ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई की बल्कि उर्दू की तरवीज के लिए अपना हिस्सा जो है वो पेश करके उर्दू से अपने खुलूस का सबूत दिया। अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं पैदा तो अरब के खारजार में हुई, लेकिन बस ये मेरी खुशकिस्मती थी, मैं इसको खुशकिस्मती कहूँगी कि उर्दू का जो गुलाब है वो मेरे हाथ में था। इसकी वजह ये थी कि मेरे आबाओ अजदाद जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो लखनऊ हिंदुस्तान से था। वाह क्या कहने। और जो मेरे वालिदैन और जो सरपरस्त हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से सफ़र करते हुए जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचे, और फिर वालदा जो हैं उन्होंने अमरीकी शरीयत अख्तियार कर ली, लेकिन मैं सऊदी अरबिया में पैदा हुई और सऊदी शरीयत याफ्ता हूँ तो एक हुब्बुल वतन सऊदी भी हूँ। कोई भी जो साहिब किरदार इंसान होता है वो हुब्बुल वतन तो होता ही है, उसको होना ही चाहिए। लेकिन जो उर्दू की ठंडक है, उर्दू की ठंडक से जो है अपने वतन के सहरा को मैं दूर रखूँ ये मुँह से मुमकिन नहीं हो सका। मैंने उर्दू जैसी मीठी जबान को जद्दा में अपने सरगरम रोज़ो शब का जो है वो हिस्सा बनाया। सहाफ़ी होना, फिल्में और गीत लिखना, बन फिल्में बनाना, ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करना, मास मीडिया में काम करना और समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की चेयरपर्सन होना, ये सब रियाजतें अपनी जगह रहीं, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने उसके बावजूद भी हर मुश्किल और हर कहने के बहुत ज्यादा मसरूफ होने के बावजूद भी मैंने उर्दू की खिदमत करने की कोशिश की, और उर्दू को एक दिन के लिए भी मैंने कभी फरामोश नहीं किया। क्या कहने, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में अगर एक खाना बनाने वाली मुलाजमा भी रखी तो उर्दू बोलने वाली सिर्फ इसलिए रखी कि मेरे जो बच्चे हैं जायरन को रोज भूख लगती है तो वो उर्दू में खाना मांगे। क्या बात है। और अपनी मुलाजमा को मैंने जो है वो अरबी नहीं सीखने दी ताकि वो उर्दू बोले, तो जिसकी वो मुझसे हमेशा शिकायत भी करती है कि मुझसे कोई अरबी में बात नहीं करता है और मैं अरबी सीखना चाहती हूँ। तो बस ये एक बता रही हूँ कि इंसान किस तरह एक हिकमत अमली के साथ अपने घर में उर्दू कोई ना कुछ आंसर रखता है। और मैंने अपनी मीडिया के उमूर में भी उर्दू को अपने वतन सऊदी अरबिया की खिदमत के लिए हमेशा शामिल रखा, से इसके मौसर नतज भी हासिल हुए। मैंने उर्दू न्यूज और उर्दू मैगजीन में जो है तकरीबन 7 साल से ज्यादा अरसे में डिसीजन मेकिंग पोस्टों पे काम किया। फिर जब मैं सऊदी गजट में गई तो वहां पर जो है मैंने उनसे पहले ये शर्त रखी थी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया वालों से कि आप मुझे उर्दू ना छुड़ाएं मुझसे, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आपको स्पेशल हम परमिशन दे रहे हैं कि आप सऊदी गजट जो कि अंग्रेजी का रोज नामा है उसमें आप हफ्तावार आवाज निकालें। तो ये चीज थी कि मैंने उर्दू को यहाँ पर जब तक मैं यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में मुलाजमत करती रही मैंने उर्दू जो है उसको फरोग देने की पूरी पूरी कोशिश की। बहुत खूब माशाल्लाह। एक कथा मैं इस लिहाज से इस मुनाजमे से पेश करूंगी कि मुझे यकीन है अंधेरों में आ नहीं सकता, मुझे यकीन है अंधेरों में आ नहीं सकता, कोई भी लॉ कभी इसकी घटा नहीं सकता। मुझे यकीन है अंधेरों में आ नहीं सकता, कोई भी लॉ कभी इसकी घटा नहीं सकता, हवा की जद पे भी रहकर ये जगमगाएगा। हवा की जद पे भी रहकर ही
हवा की जद पे भी रहकर ये जगमगाएगा, चराग उर्दू का कोई बुझा नहीं सकता। क्या कहने भाई, हवा की जद पे भी रहकर ये जगमगाएगा, चराग उर्दू का कोई बुझा नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। नाजरीन महफिल, उर्दू नसर हो या शायरी, मेरी तबा आजमाइयां जारी हो सारी है। ये अच्छा की कागज की जमीन जो है वो अव्वलीन शायरी में से थी, जब मैंने अपना सारा शायरी का जो मेरा जितना भी मवाद था मटीरियल था, मैं जब मैंने निकाला तो ये अवलीन शायरी मैंने पहले पेश की, और आगे मेरी लफ्जों की कायनात, मोम की गुड़िया, एक डिजिटल एल्बम है, ये सब आएगा। और काम बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि मैं खुद बहुत मसरूफ हूँ, और मैं बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हूँ, और रिपोर्टिंग करना जो है वो मेरा काम रहा। मैंने यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किए, इस मुल्क के कवानीन बदलवाना या औरतों के हकूक के लिए बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, वरना मेरा मुल्क बहुत पीछे रह जाता 21वीं सदी से। तो बस जो भी था मैं साथ साथ लेके चलती रही, इसलिए माशरे में जो होने वाली रुदाद है वो आपको मेरी शायरी में झलकती भी नजर आएगी, वो मेरे माशरे की रुदाद है। अगर मैं यमन गई तो यमन के माशरे की रुदाद होती है, वो इस पूरे जहाँ की रुदाद है, क्योंकि बतौर सहाफी बतौर स्पीकर दुनिया दुनिया मेरा जाना हुआ है। मेरी शायरी में आपको इंसानी दर्द और जज्बों की अक्कासी मिलेगी, क्योंकि जाहिर है मैं फर्जी वारदात पे तो नहीं लिखती। सहाफी देख रहा होता है बहुत कुछ जो हम देख रहे होते हैं सऊदी सहाफत की वजह से, हम तो वो बता भी नहीं पाते थे दुनिया को, क्योंकि जाहिर है हमारी मुल्क की पॉलिसी है बतौर सहाफी। तो चाहे वो शायरी हो या फिल्म स्क्रिप्ट हो, मैं वही कुछ लिखती हूँ जो अपने इर्द गिर्द देख चुकी होती हूँ। मेरी बहुत सारी फिल्में आएंगी, आप लोग देखेंगे, और उसमें इल्म हासिल करने का जुनून जो है वो भी मुझ में रचा बसा हुआ है। मैंने इख्तियारी उर्दू बाकायदा बहैसियत मज़मून पढ़ी है, इसीलिए तो बस यही है कि मैं बिजनेस वूमेन जो बन गई, वो जाहिर है आप शायर, आप एक मीडिया में होते हो तो आपके कॉन्टेक्ट होते हैं, आप बिजनेस में आ जाते हो, और बहुत तवील अरसे के बाद जो है ना मुझे उर्दू वालों ने ये एहसास दिलाया कि मैं चूंकि सऊदी शहरी हूँ, इसलिए मैंने अगर मौसर तरीके से उर्दू की बस्ती अपने वतन में मैं ही बसा सकती हूँ। सऊदी अरेबिया में अगर सऊदी हजरात उर्दू बोलेंगे तो ही पता चलेगा कि यहाँ पर उर्दू है। तो इन्हीं उर्दू के मतवालों ने मुझे ये भी समझाया कि कुछ खुद नुमाई के तलबगारों ने बड़े मुस्तनद मतलब तरीके से कुछ मुस्तनद सऊदी उर्दू दानों को महफिलों से दूर रखा हुआ है, इससे उर्दू को मशरक वस्ता में और बिलखसूस सऊदी अरबिया में बड़ा नुकसान हुआ है। तो जब इन उर्दू के खुदपरस्तों की मुलाजमतें यहाँ से ख़त्म हो गई तो ये लोग अपना अपना उर्दू का दस्तरखान समेट के चले गए। तो मैंने देखा कि मैं तो उर्दू की तश्तरी हाथों में थामे अकेले खड़ी हूँ। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी अब दुगनी हो गई है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, मेरी जो तश्तरी है वो समंदर पार अब उर्दू के मुखलिस पासबानों ने थाम ली है। इसलिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ जिस इस महफिल का जिन्होंने पूरा इंतजाम किया, कि अगर सऊदी अरबिया के सहरा से उर्दू शेर व नसर के गुलाब लेकर मैं ना निकली तो कभी ये फूल कहीं ये फूल ना मुरझा ना जाए, मुझे ये डर है, क्योंकि यहाँ पर सब उर्दू वाले चले गए हैं। तो इस वजह से मैंने अब अपनी उर्दू की जितनी भी सरगर्मियां हैं वो तेज कर दी हैं, और मुझे अपनी उर्दू और इससे मंसूब अपनी जाती काविशों पर फख्र है, क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया दयानतदारी से किया, कहीं ना कहीं कोई मिसरा कोई शेर भूल चूक हो जाती है, उसको उसकी मैं माजरत चाहूंगी, मैं माफी की तलबगार रहूंगी, लेकिन मैं उर्दू को अब बहुत पुरवसूख तरीके से और बहुत फाल तरीके से आगे लाती रहूंगी, ये मेरा वादा है। और इस वक्त बतौर सऊदी शहरी अगर मैं ना आगे आई तो यकीन करें कि उर्दू का अल्लाह उठाकर इस सहरा से फिर कौन निकलेगा। सहरा में अजीम जबान उर्दू का फूल खिलते हैं, ये कौन बताएगा, और फिर तारीख मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक मतलब अर्ज करूंगी इस सिलसिले में कि जिनको तहजीब से लगाओ नहीं, जुर्म कर रहा है रातों में, जिनको तहजीब से लगाओ नहीं, जुर्म कर रहा है रातों में, जो ना समझे शऊर का मतलब, ऐब होता है जिनकी बातों में, जिनको तहजीब से लगाओ नहीं, जुर्म कर रहा है रातों में, जो ना समझे शऊर का मतलब, ऐब होता है जिनकी बातों में, ऐ परिस्तारों खुदनुमाई के बंद रखती हूँ मैं जुबां अपनी।
اے پرستار خود نمائی کے بند رکھتی ہوں میں زبان اپنی, یہ بتاؤ مجھے کہ اردو کا تم علم دو گے کس کے ہاتھوں میں. واہ واہ واہ, یہ بتاؤ مجھے کہ اردو کا تم علم دو گے کس کے ہاتھوں میں. اب میں دیکھیں ایک یوں سمجھ لیں کہ اردو میرے ملک کی میرے صحرا کی زبان نہیں ہے, تو میں اردو کو کچھ الگ نگاہ سے دیکھتی ہوں. اگر اردو والے مجھے یہ کہیں کہ میں الگ الگ الفاظ ڈھونڈ کے لاتی ہوں, انگلش کا استعمال بھی کر دیتی ہوں, تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو تو پہلے ہی سے ایک لشکری زبان ہے. اردو کہیں نہ کہیں سے عربی کے پودے سے بھی نکلی ہے, عربی ہو گئی اور بہت سی دوسری فارسی ہو گئی, بہت ساری زبانوں سے مل کر اردو بنی. تو اگر اردو کو میں اور بھی زبانوں میں اور نئی زبانوں میں انگریزی کے الفاظ ان میں سمونا چاہتی ہوں تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتی. اردو تو میں یوں کہتی ہوں کہ اس معاملے میں اتنی وسیع القلب زبان ہے, اردو سب کو سمو لیتی ہے, اردو سب کو ویلکم کرتی ہے, اردو نے مجھے بھی ویلکم کیا ہے. تو اردو کے جتنے بھی پاسدار ہیں وہ باہر کے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, مجھے بھی کہتے ہیں. تو اگر میں باہر سے کچھ الفاظ لے کر آتی ہوں تو اردو کو ان میں سمو لینے دیجیے. اور میرا کوئی بھی جو شعر ہے وہ میری ذات سے بھی منسوب نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کسی دوسرے انسان کا درد و مسرت میں بھی کتنی اپنائیت سے میں نے پیش کیے ہیں اور کتنی سچائی و صافگوئی سے میں نے پیش کیے ہیں. تو جس لمحے میرے شعر میں پوشیدہ ٹیس اور چبھن آپ کو محسوس ہو, بس وہی میری کامیابی کا لمحہ ہے. اور آپ اگر اپنے ارد گرد اس طرح کے درد کو محسوس کریں تو اس کا بنداوا کرنے کے لیے میں صرف ایک مسکراہٹ کا پیغام دیتی ہوں. سپورٹ اسماعیل کے سلوگن کے ساتھ میں جو ہوں, جو بھی ہے وہ آگے آئی ہوں, دنیا میں پڑی ہوں, چاہے وہ میں میری کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ شعر ہو. تو یہ ہے, میں اب چاہوں گی کہ میں کچھ اپنی غزلوں کے غزلیں پیش کروں, کچھ اپنا کلام پیش کروں. تو میرا ایک بہت پسندیدہ شعر ہے, میں اس کے ساتھ آغاز کروں گی, کیونکہ میں ایک ایسے ملک سے خوش قسمتی سے وابستہ ہوں جہاں حرم شریف بہت قریب ہے, مکہ بہت قریب ہے. میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا بڑا افسوس کرتے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ سے دور ہیں. اب یہ کرونا کے حالات میں جب ایک بہت مطلب کم لوگوں کے درمیان حج ہوگا, صرف 10,000 لوگ اس دفعہ حج میں شامل ہوں گے, تو میں ان لوگوں کے ایک دل کو شاید کچھ تمانیت بخش سکوں, ایک تمانیت ان کو ہوگی اگر میں یہ شعر کو میرا سمجھے کہ ملاحظہ کیجیے, سجدہ کہیں بھی کیجیے سجدہ ہے مومنوں, سجدہ کہیں بھی کیجیے سجدہ ہے مومنوں, اللہ نے زمین کو مصلی بنا دیا. سجدہ کہیں بھی کیجیے سجدہ ہے مومنوں, اللہ نے زمین کو مصلی بنا دیا. کیا کہنے, بہت خوب. ایک مطلب پیش کروں گی غزل سے پہلے ملاحظہ کیجیے. ہر قدم فرض محبت کا نبھایا جاتا, ہر قدم فرض محبت کا نبھایا جاتا, بیٹا ہوتا تو مجھے گھر میں سجایا جاتا. میری تھوڑی جلدی شادی ہو گئی تھی, سمجھ لیں کچھ لوگوں نے اس کو چائلڈ میرج کہہ دیا تھا میڈیا کے لوگوں نے, تو میں 16 سال کی تھی. ہر قدم فرض محبت کا نبھایا جاتا, بیٹا ہوتا تو مجھے گھر میں سجایا جاتا, اس لیے پیدا کیا اتنا بتاؤ مجھ کو, کس لیے پیدا کیا اتنا بتاؤ مجھ کو, جب میرا بوجھ نہیں تم سے اٹھایا جاتا. کیا کہنے, جب میرا بوجھ نہیں تم سے اٹھایا جاتا. شکریہ. موت پل بھر میں چاروں طرف بٹ گئی, موت پل بھر میں چاروں طرف بٹ گئی, اپنے محور سے جب یہ زمین ہٹ گئی. موت پل بھر میں چاروں طرف بٹ گئی, اپنے محور سے جب یہ زمین ہٹ گئی, جھوٹ کہنے پہ تمغہ ملا ہے اسے, جھوٹ کہنے پہ تمغہ ملا ہے اسے, میں نے سچ کہہ دیا تو زبان کٹ گئی. کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ. موت پل بھر میں چاروں طرف بٹ گئی, اپنے محور سے جب یہ زمین ہٹ گئی, جھوٹ کہنے پہ تمغہ ملا ہے اسے, میں نے سچ کہہ دیا تو زبان کٹ گئی. کوئی آیا نہ پھر بھی مدد کے لیے,
कोई आया ना फिर भी मदद के लिए, दूर तक मेरे कदमों की आहट गई। वाह वाह वाह। और जिंदगी के दिए झिलमिलाने लगे, जिंदगी के दिए झिलमिलाने लगे, मौत की जब भी कानों में आहट गई। ये है सच्चाई, सब छीन लेता है वक्त। तवज्जो दीजिए। ये है सच्चाई, सब छीन लेता है वक्त, मेरे होंठों से बस मुस्कुराहट गई। और मक्ता मुलायजा कीजिए। है किसी की दुआ ये समीरा अजीज, है किसी की दुआ ये समीरा अजीज, गम की बत्ती मेरी राह से छट गई, मौत पल भर में चारों तरफ बढ़ गई अपने महवर से, जब ये जमीन फट गई। और इसके अलावा मैं एक तीन अशार जो है वो आपकी नजर करूंगी। कैसे पहचान हो गई उसको, वो बहुत चालाक है। मुलाहिज़ा कीजिए, ये आज के जमाने के लिहाज से जो कुछ हो रहा है। कैसे पहचानोगी उसको, वो बहुत चालाक है, मेरे कातिल के बदन पर मेरी ही पोशाक है। कैसे पहचानोगे उसको, वो बहुत चालाक है, मेरे कातिल के बदन पर मेरी ही पोशाक है। जालिमों के जुल्म की तारीख पढ़कर देख लो। क्या कहने, जालिमों के जुल्म की तारीख पढ़कर देख लो, जिंदगी है शान वाली, मौत इबरतनाक है। जालिमों के जुल्म की तारीख पढ़ के देख लो, जिंदगी है शान वाली, मौत इबरतनाक है। वो खुदा का नेक बंदा है उसे पहचान लो। क्या कहने, वो खुदा का नेक बंदा है उसे पहचान लो। लब पे है अल्लाह अकबर, हाथ पे मसवाक है। और मक्ता मुलाहिज़ा कीजिए, खा चुकी है कितनी जाने, भूख मिटती ही नहीं। खा चुकी है कितनी जाने भूख मिटती ही नहीं, जिंदगी कहते हैं जिसको, मौत की खुराक है। वाह वाह वाह। खा चुकी है कितनी जाने, मौत की खुराक, भूख मिटती ही नहीं, जिंदगी कहते हैं जिसको, मौत की खुराक है। मैं चाहूंगी कुछ अशार मैं कागज की जमीन से भी आप लोगों की नजर करूं। मुलाहिज़ा कीजिए कि क्यों हुआ ये हाल जानते हैं, क्यों हुआ ये हाल जानते हैं, उसका सब कमाल जानते हैं। क्या कहने, क्यों हुआ ये हाल जानते हैं, उसका सब कमाल जानते हैं। दुश्मनी के नाम पर सुनो, दुश्मनी के नाम पर सुनो, किसने फेंका ये जाल जानते हैं। वाह वाह वाह। क्यों हुआ ये हाल जानते हैं, उसका सब कमाल जानते हैं। दुश्मनी के नाम पर सुनो, किसने फेंका जाल जानते हैं। दुनिया से छुपाए लाख वो, दुनिया से छुपाए लाख वो, आया क्यों जवाल जानते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। दुनिया से छुपाए लाख वो, आया क्यों जवाल जानते हैं। मसलहत से चुप हैं वरना हम, मसलहत से चुप हैं वरना हम, दुश्मनों की चाल जानते हैं। वाह वाह वाह। क्या कहने, बहुत खूब। मसलहत से चुप हैं वरना हम, दुश्मनों की चाल जानते हैं। और मक्ता मुलाहिज़ा कीजिए कि शायरी की सिंफ में अजीज, शायरी की सिंफ में अजीज, हम भी कुछ कमाल जानते हैं। क्या कहने, हाल जानते हैं। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक और जो है गजल है मैं पेश करूँ आपकी नजर है। जरा सी बात पे लहजा बदलना, जरा सी बात पे लहजा बदलना, मेरी फितरत नहीं चेहरा बदलना।
क्या कहना, बहुत खूब बहुत खूब। जरा सी बात में लहजा बदलना, मेरी फितरत नहीं चेहरा बदलना हुआ, सफर में आए कैसी भी मुसीबत। वाह। सफर में आए कैसी भी मुसीबत, मुझे आता नहीं रास्ता बदलना। क्या कहने, सफर में आए कैसी भी मुसीबत, मुझे आता नहीं रास्ता बदलना। खूब लगाओ है तुम्हें दौलत से बेहद। वाह। लगाओ है तुम्हें दौलत से बेहद, तुम्हारा काम है रिश्ता बदलना। क्या कहने, क्या कहने। लगाओ है तुम्हें दौलत से बेहद, तुम्हारा काम है रिश्ता बदलना। नहीं रह सकते तुम एक छत के नीचे। वाह। नहीं रह सकते तुम एक छत के नीचे। नहीं रह सकते तुम एक छत के नीचे, तुम्हारा शौक है कमरा बदलना। बहुत खूब भाई, वाह। नहीं रह सकते तुम एक छत के नीचे, तुम्हारा शौक है कमरा बदलना। क्या बात है। और मख्ता मुलाहिज़ा कीजिए, वो गाली दे के फिर हो जाएगा चुप। वाह। वो गाली दे, वो गाली देगा फिर हो जाएगा चुप। मिजाज अपना समीरा क्या बदलना। वो गाली देगा फिर हो जाएगा चुप। मिजाज अपना समीरा क्या बदलना, जरा सी बात पे नहीं जा बदलना। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समीरा साहबा, बहुत खूब। कुछ और भी अता करें इस कागज की जमीन से, कुछ और भी अता कीजिए। एक गजल थी कागज की जमीन से, वो बहुत सारे जो गजल के गायक हैं, जो गजल के सिंगर हैं, उन्होंने मुझसे वो मांगी थी, काफी उन्होंने गाई है, तो मैं वो वाली इशाद। जाने कब वो आएगा लेके प्यार आंखों में। वाह। जाने कब वो आएगा, जाने कब वो आएगा लेके प्यार आंखों में। आंसुओं के लश्कर हैं बेकरार आंखों में। वाह वाह। आंखों के लश्कर हैं बेकरार। जाने कब वो आएगा लेके प्यार आंखों में, आंसुओं के लश्कर हैं बेकरार आंखों में। बहुत खूब। कैसे देखने जाएं हम महल मुसर्रत का। वाह। महल मुसर्रत का, वाह। कैसे देखने जाएं हम महल मुसर्रत का, क्या खूब शहजादे हैं बेशुमार आंखों में। वाह 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 वाह। कैसे देखने जाएं हम महल मुसर्रत का, गम के शहजादे हैं बेशुमार आंखों में। क्या कहने, कौन है खुदा जाने कुछ पता नहीं। वाह। कौन है खुदा जाने, कौन है खुदा जाने कुछ पता नहीं हमको, घूमता है एक चेहरा बार बार आंखों में। वाह 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 वाह। कब गुरूब हो जाए फासले का ये सुकून। वाह वाह वाह। कब गुरूब हो जाए फासले का ये सूरज, दिल है मेरा चौखट पर इंतजार आंखों। वाह वाह वाह। कब गुरूब हो जाए फासले का ये सूरज, दिल है मेरा चौखट पर इंतजार आंखों में, और देख के हल्की सी दस्तक फिर चले गए आकर। वाह। देख के हल्की सी दस्तक फिर चले गए आकर, लग गई है अश्कों की फिर कतार आंखों में। वाह वाह। देख के हल्की सी दस्तक फिर चले गए आकर, लग गई है अश्कों की फिर कतार आंखों में, सामने रख कर आईना मोहब्बत। वाह वाह। अपने सामने रख कर आईना मोहब्बत, ढूंढते हैं हम खुद को बार बार आंखों में। वाह वाह वाह। बहुत खूब। अपने सामने रख कर आईना मोहब्बत का, ढूंढते हैं हम खुद को बार बार आंखों में। और मख्ता मुलाहिज़ा कीजिए, अब तो अपना चेहरा भी लग रहा है धुंधला सा। वाह। अब तो अपना चेहरा भी लग रहा है धुंधला सा, जम गया जुदाई का वो गुबार आंखों में। वाह। जाने कब वो आएगा लेके प्यारा, आंसुओं के लश्कर है बेकरार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कलाम पेश किया।
मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब आपका, आपको मैं भी अपनी तरफ से बेहतर बात पेश करता हूँ कि आज आप किस महफिल में आए, अपने अपने कलाम से हमें सबको महसूस फरमाया। मैं आखिर में इस महफिल के सदर महफिल जनाब फहीम अख्तर साहब से गुजार हूँ। आप शायर हैं, अफसाना निगार हैं, काले नवीस हैं, बहुत ही हमजद शख्सियत के मालिक हैं, इस वक्त लंदन बरतानिया से हमारे साथ हैं। मैं मुल्तमिस हूँ सदर महफिल जनाब फहीम अख्तर साहब से कि आज का सदारती खुतबा पेश करें। जनाब फहीम अख्तर साहब। और मैं अनवर ज़हीर का भाई भी हूँ इसमें तो कोई शक नहीं हाजरीन महफिल, और सबसे पहले तो मैं जफर गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चर एकेडमी इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक शानदार और बहुत ही अच्छी महफिल का इनेकाद किया। अयाज गोरखपुरी और इम्तियाज गोरखपुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कोई बातचीत कर रहा है बीच में अनवर भाई, माइक बंद कर दे भाई। इम्तियाज गोरखपुरी साहब से के माइक बंद कर दे जरा प्लीज। जी फहीम भाई। तो अनस जमाली साहब कोई है वहाँ से आवाज आ रही है। सर माइक बंद कर दें सर प्लीज। बोलिएगा सर, हमको थोड़ा सा बोल ले लीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अनस सर, तो कहना यह है कि मैं कह रहा था कि अयाज गोरखपुरी और इम्तियाज मियां जो हैं, ये लोग तो उर्दू के ऐसे दीवाने के बैठते ही नहीं, जब देखिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये बात जब समीरा अजीज कह रही थी कि सऊदी अरब से इनकी जो उर्दू की मोहब्बत है, मैं आपको बता दूं कि हम सभी दीवाने, और हमें तो पता चला आप भी दीवानी हैं सऊदी अरब, जो कि एक अच्छी बात का इल्म हुआ। तो कह रहा था मैं कि इयाज और इम्तियाज जो हैं मारूफ शायर जफर गोरखपुरी, उनका नाम लिए बगैर मैं महफिल को अमल नहीं सकती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एहतरामन बात करनी पड़ती है। दरअसल पांच लोगों ने जो मज़ामीन पढ़े हैं उसमें सिडनी से तनवीर खान साहब, एमन हैं, ओमान है ना एमन या मस्कत है क्या? जी मस्कत कैपिटल है ओमान। और उसके अलावा आमिर साहब हैं पाकिस्तान से, फयाज मियां थे। तो जहां एमन ने खूबसूरती बयान किया उनकी शायरी में समीरा अजीज के, वहीं तनवीर साहब ने बहुत मुनफरिद अंदाज से सादगी और उनकी जुबान की तारीफ की है शेर के हवाले से। आमिर भाई ने नसीहत की और यह भी कह डाला कि गालिब और अयाज मियां ने उनकी खिदमत खल्क और उनकी हमदर्दी का भी उसमें जिक्र किया। सीमा साहबा ने जायजा लिया और इस्तेराद वगैरह के हवाले से बात की। तो आप पांचों लोगों ने इतनी खूबसूरती से तमाम बातें इनकी शायरी पे की है, कहने की जरूरत नहीं। महफिल की खूबसूरती यही होती है कि पढ़ने वाला जब अपने दिल से बात पढ़ के चला जाता है, कह जाता है, तो उस महफिल में एक ऐसी बात पैदा हो जाती है जो प्रोग्राम के बाद भी याद रखा जाता है। और इसके लिए मुबारकबाद तो मुस्तहक है इम्तियाज मियां, बेशक बेशक इस महफिल को अच्छे अच्छे लोगों से ला के पढ़वाया और करवाया, तो मैं इसके लिए सबों को मुबारकबाद देता हूँ। समीरा अजीज की किताब
कागज की जमीन की बात हो रही है तो आज तो समीरा साहब मुझे लगा कि वाकई में जमीन कागज की है। ये एहसास तो मुझे हुआ नहीं था। और आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है, आपको शायद याद है कि नहीं, पिछले किसी मुशायरे में सदारत कर रहा था, वहां आए थे पढ़ने, तो आपकी गजल सुनी थी, तो मैंने इम्तियाज में से कहा भाई मुझको नहीं जानता ये गजल सुनी है, उन्होंने आपकी पूरी किताब पीडीएफ भेजी, मैं पढ़ रहा था, आपके आबा अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, और लखनऊ की जब बात आती है तो उर्दू से मोहब्बत तो लाजमी है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। फिर आपके आवाजात पाकिस्तान गए, अमेरिका गए, ये सब बातें आपने लिखी, आपने फेमिनिज्म का आपके अंदर जो है ना काफी वो पाया जाता है, और जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब का जब नाम आता है तो हमारे जहन में एक स्टीरियोटाइप बात आ जाती है कि खवातीन जो है सिर्फ बुरका पहनती है और कुछ काम नहीं करते, लेकिन आप मौजूदगी और आपकी बात से पता चलता है कि आप सऊदी अरब की वाकई प्राउड होनी चाहिए आपकी इन काविश पर, आपकी कमेंट भी है, आप मीडिया से भी जुड़ी हैं, फिल्म का भी काम कर रही हैं, तो हमको तो लगता है कि हम लंदन में कंजर्वेटिव है, बुरका हम पहन रहे हैं आप नहीं पहन रही, ये उल्टा लगता है। बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही जो हम तमाम लोगों को एक नई बात से आगाह किया। आपकी शायरी में मैंने देखा शौक भी है, जज्बा भी है, हमदर्दी भी है, कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है, जो लगता है कि आप माहौल और जैसे आपने कहा कि 16 बरस की उम्र में आपकी शादी हो गई, और मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, चूंकि हमारे इंग्लैंड में 18 साल है उसको शादी का जो है पहले अगर आप करेंगे तो वो क्राइम कहा जाता है, तो आप एहतराम करें सदर साहब का और खामोशी से सुने उनको, माजरत खा हूँ। तो ये बातें जो आपने कही इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी शायरी में तमाम जो बातें आपकी जिंदगी की है ना उसकी अक्कासी। अभी आपका वो मैं शेर सुन रहा था कमरे वाली बात, उसमें लगता है कि आप गुफ्तगू कर रही हैं और माशरे की जो जो हालात है उस पर आप बात कर रही हैं। क्या शेर था पढ़िए तो फिर कमरा कमरा आपने क्या कहा था तुम्हारा काम है कमरा बदलना के शेर अपना, ये कागज की जमीन से था। हाँ बिल्कुल जी। और एक मिनट, ये जरा सी बात पे लहजा बदलना मेरी फितरत नहीं, चेहरा बदलना नहीं रह सकते तुम एक छत के नीचे, तुम्हारा शौक है कमरा बदलना। हाँ देखिए ये बात जो है ना ये देखे कि एकदम आम जिंदगी की जो है ना बात आपने की है, ये यही खूबसूरती है शायर जो है। देखिए आजकल इश्क मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे मसाले, बेशक आमिर साहब कह रहे थे ना कि हमारी शायरी में जो है नसीहत कर रहे थे, और वाकई में आपने बहुत जगह इस खूबसूरती से इस बात को बयान किया है जिससे सुनने वाला लगता है कि ये हमारी जिंदगी पर आपने शेयर किया। यही खूबी होती है शायर की, शायर जब गुफ्तगू करने लगता है ना तो उसकी शायरी को तब माना जाता है कि उसकी शायरी जो है वाकई में कारामद है और सोचने समझने की चीज। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात आपकी जो थी कि आपने सहाफत से ही, मेरे ख्याल से सहाफी थी आप है ना, और सहाफत से सहाफी जी, और अंग्रेजी अखबार में जो आवाज निकाला आपने उर्दू का, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे अच्छा लगा कि आपके अंदर जो उर्दू की मोहब्बत है और बल्कि हम कहेंगे कि आप दीवानी हैं उर्दू जुबान के लिए, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं।
मुझे लगता है कि अयाज मियां कह रहे थे कि पहली किताब है, लेकिन दूसरी किताब के आने के बाद उसमें शायर जो है अपनी बात को फिर देखता है, ये अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन कभी कभी पहली किताब में वो बात शायर कह जाता है जो दूसरी किताब में नहीं इजहार कर पाता है। पहला प्यार जो है ना वो दोबारा नहीं हो सकता, तो पहली किताब में आ जाती है। लेकिन आपकी बात सही है, आपने अपने तजुर्बे से कही वो भी बात सही है, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। हम आपके लिए दुआगो हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, चाहे आप तनवीर साहब सिडनी से कहें, एमन कहें, एमन बहुत अच्छा आजकल हमारी मुलाकात से कुछ महीने से भी है ना ऑनलाइन की वजह से, एमन आमिर साहब हैं, सीमा साहिबा तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी अदीबा हैं, शायरा हैं जर्मनी से। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ अनवर जहीर भाई हैं, बहुत बड़े अदीब, मतलब कि आप इनके नाम के साथ लगाते जाइए आप वो शुक्रिया। हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि इम्तियाज में मैंने सबों को पकड़ करके एक जगह बैठा दिया। आप कामयाबी के मुस्तहक हैं, इस काम को आगे रखिए जारी सारी, समझे ना। और देखिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मतलब अपने आप को नहीं समझता हूँ कि राइटर हूँ, जो सीखने की जो बात है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। वो अयाज की बात को फिर मैं कहूँ, उनकी बात सही थी, दूसरी किताब में जो है ना वो पुख्तगी और दिखेगी। शायरी आप जो कर रही है, जो सफर आपका है वो और पुख्तगी और ये, और आमिर साहब की बात है ना कि हम लोग बहुत जल्दबाजी करते किताब शायर होनी चाहिए। मैंने 2000 से लेकर के 2015 साल के बाद अपने अफसाने का पहला मजमू शायर किया, 15 ईयर। कोई मुझे शौक नहीं था, कुछ नहीं था, लिखता रहा। लेकिन वो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब किताब आपकी शायर 15 साल लगे। ये सही बात थी। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग मार्केटिंग जो है, आप तो चूंकि बिजनेस वुमेन है तो मेरी लैंग्वेज आप समझ रही होंगी, हमने मार्केटिंग कर दिया कि बस जल्दी से किताब आ जाए और फिर हम साहिब किताब हो जाए। इससे जो है ना नुकसान है, मैं समझ, इस पर हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। लेकिन लिखिए और छोड़ दीजिए लोगों पर, लोग आपकी बात करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे और लोग ही आपको जो है ना समीर आजिज बनाएंगे। ये प्रोग्राम होते रहेंगे, आपकी तहरीर और तख्लीक में दम होगी वो खुद ब खुद जगह बना ले। वही मक्तर अनवर जहीर वगैरह की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए आप मुबारक, आपकी शायरी बहुत अच्छी और आप इसको अल्लाह कीजिए कि सऊदी अरब और जबान के पैदा करके उस जुबान की खिदमत कर रही, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आइंदा भी किताब के हवाले से इम्तियाज में कोई अच्छा सा प्रोग्राम लेके आए आपका और हम इसी तरह बात करें। एक बार फिर जहाँ भी रहिए खुश रहिए और इसी तरह उर्दू खिदमत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फहीम अख्तर साहब, माशाल्लाह सदारती खुतबा बहुत ही खूबसूरत आपने पेश किया, हमें खुशी है और हमें मसरत है और क्या आपने हमें यहाँ इस मौका दिया और सदारत कबूल की और सदारती खुतबा। आवाज तेज कीजिए। मैं समझता हूँ कि सुमेरा साहबा भी, अजीज साहबा भी अपने आप को आज यकीन खुशकिस्मत महसूस कर रही होंगी कि इतने सारे लोगों के दरमियान यहाँ उन्होंने सबकी बातें सुनी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शुक्रिया अदा करना या सरपास गुजार होना और इसके जायज मुकाम तक पहुँचाना एक अमानत है। खौतीन हजरात, महफिल हाजिरीन महफिल, मेहमान ग्रामी और हमारे सामीन जो खामोशी से सब सुन रहे थे, मैं अपनी तरफ से और ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चर अकेडमी की तरफ से बहुत ममनून हूँ कि आप सब अपनी गुनागुन मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।
बहुत नवाजिश आप सबका, इंशाल्लाह जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी आप सब से, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।